हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम दो नंबर को सम करेंगे। तो उसके लिए हमने हेडर फाइल डिक्लेयर करा हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद हम क्लास लिखेंगे, क्लास का नेम हमने दिया ऐड। उस क्लास के अंदर हम इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लिया जिसमें हमने तीन वेरिएबल लिया। ये जो हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और ये जो हमारा तीन वेरिएबल है ये हमारा प्राइवेट है। उसके बाद हम पब्लिक लिखें, पब्लिक एक कीवर्ड है। उस पब्लिक के अंदर हम वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन लिए। उस इनपुट फंक्शन के अंदर हम सी आउट से एक मैसेज देते हैं यूज़र को, इंटर वैल्यू। यानी यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन में वैल्यू को इनपुट करने वाले हैं। तो हम ए और बी को इनपुट करेंगे, तो हम सी इन में लिखेंगे ए और बी। उसके बाद हमारा इनपुट फंक्शन में वैल्यू इनपुट हो गया, तो अब हमें सम करना है। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे void sum। इस void sum नाम के फंक्शन के अंदर हम उस a और b नाम के वेरिएबल को ऐड करेंगे और c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए। उसके बाद void show फंक्शन हम बनाएं जो कि हमारे वैल्यू को डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन में, उसमें हम c को शो कर देंगे। तो हम लिखेंगे सी आउट सी। तो ये हो गया हमारा एडिशन क्लास के अंदर। तो अब हम सो फंक्शन को क्लोज करेंगे और अब हम क्लास को भी क्लोज करेंगे। तो हम सेमी कॉलम से क्लास को क्लोज करते हैं, तो हम सेमी कॉलम दे दिए। मैंने ऑलरेडी क्लास का वीडियो बना दिया है, एक व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, क्या होता है, पूरे डेफिनेशन के साथ लास्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ। तो void main फंक्शन के अंदर हमने उस क्लास का नेम लिखा और उसका एक ऑब्जेक्ट लिखा। उस ऑब्जेक्ट से हम अपने तीनों पब्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट लिखें, ऑब्जेक्ट डॉट सम और ऑब्जेक्ट डॉट शो। यानी हम अपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम गेट सी एच फंक्शन से अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैं सी एल आर एस सी आर फंक्शन लिख देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो मैं इसे एक बार आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया ऐड नाम का क्लास। उस क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल बनाया जो कि हमारा ये वेरिएबल प्राइवेट है। यहाँ पे आप प्राइवेट कीवर्ड लिख भी सकते हैं और अगर नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट होता है। क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप नहीं देंगे तो वो डेटा प्राइवेट हो जाता है। उसके बाद हम पब्लिक के अंदर तीन फंक्शन बनाए, इनपुट सम शो। ये तीन फंक्शन के अंदर हमने अपना पूरा कैलकुलेशन कर दिया। इनपुट के अंदर हमने वैल्यू को इनपुट करा और सम के अंदर हमने ऐड किया और शो के अंदर उस वैल्यू को हम शो कर दिए। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका हमने एक वीडियो बना दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ इस प्रोग्राम को। void main के अंदर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, उस ऑब्जेक्ट से हम अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से इनपुट फंक्शन को कॉल किए, पब्लिक में जो हमने यहाँ पे क्लास के पब्लिक में जो हम इनपुट फंक्शन लिखे थे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी यूज़र से दो वैल्यू इंटर करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, तो हमारा दो वैल्यू का सम हो जाएगा। उसके बाद शो फंक्शन से वो जो दो वैल्यू का सम होगा, हम शो फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू का सम को देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में। तो चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे मैं दो वैल्यू इंटर करता हूँ, फर्स्ट वैल्यू मैंने 20 डाला और सेकंड 40, तो हमारा सम आ गया 60। तो ये हो गया हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आप एक क्लास में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि कैसे आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं सिंगल क्लास में। तो उस सेकंड ऑब्जेक्ट से भी हम अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी लिखेंगे ob1.input, ob1.show और ob1.sum। तो ये हमारा तीन फंक्शन हमने पहले ऑब्जेक्ट के लिए और फिर उसी तीन फंक्शन को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू डालना पड़ेगा, यूज़र से अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा दोनों इनपुट के लिए। यहाँ पे मैं एंडल लिख देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट अलग अलग लाइन में आए।
तो चलिए मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। तो मैंने वैल्यू डाला फिर से 10 और सेकंड 20, तो ये हो गया हमारा पहले ऑब्जेक्ट के लिए। और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमने 100 और 200 डाला तो हमें सम मिल गया 300। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर।